साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज दीपावली के पावन पर्व पर मैं आप सभी क्षेत्रीय एवं नगर एवं देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये अवसर प्रत्येक वर्ष सबको खुशी खुशी मनाने का प्राप्त होता रहे, क्योंकि ये दिन हमारे लिए भारतवर्ष का जो विभिन्न त्योहारों में से दीपावली का जो पावन पर्व है वो लगभग 5 दिवसीय पर्व है। प्रथम दिवस धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी जिसको हम लोग छोटी दीपावली कहते हैं, और आज तीसरा दिन जो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, दीपावली का पावन पर्व है जो पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी लोग हमारे भारतीय रहते हैं वो इस पावन पर्व को जरूर खुशी खुशी बड़े उल्लास के साथ सपरिवार मनाते हैं। मित्रों, आज के दिन भगवान श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त करके और अयोध्या वापस आए तो उनका जो राज्याभिषेक हुआ, राजतिलक हुआ और उस दिन पूरे अयोध्या में घर घर प्रकाश के दिए जलाए गए और प्रकाश रोशनी की गई। उसी पर्व को हम लोग प्रत्येक वर्ष दीपावली के पावन पर्व पर अपने अपने घरों में साफ सफाई करके, साज सज्जा करके, घर में दरवाजे, तोरण, पताका, फूल माला आदि सजा करके और पूरे घर में लाइटिंग की व्यवस्था करके हम लोग भी भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करके विधि विधान से और पावन पर्व को मनाते हैं। और पूजा आरती करने के बाद पूरे घर में दिए, मोमबत्ती आदि जलाते हैं, प्रयास करते हैं कि घर का कोई भी कोना किसी प्रकार से भी प्रकाश से वंचित न रह जाए और साथ ही बुराई से हम लोग अच्छाई की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का भगवान से प्रेरणा लेते हैं। और साथ ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस प्रकार से हमारे भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले और ज्योति पुण्य हैं, ये दया करुणा मानवता मर्यादा समभाव मम भाव और सबके साथ का प्रकाश रखने वाले भगवान हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी सबके साथ चलें और सबके साथ मिलजुल कर रहें, सौहार्द बनाए रखें, संभाव रखें और किसी से कोई किसी प्रकार से अगर कोई हमारी कटुता है तो आज के दिन भुला करके सब लोग गले मिलें और एक दूसरे को इस त्यौहार में बधाई दें और एक साथ साथ बैठकर मिठाई खाएं और एक दूसरे को खिलाएं और खुशियां मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, पुनः आप सबको इस चैनल के माध्यम से इस पावन पर्व पर बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस चैनल को लगातार देख रहे हैं और भूलवश अगर कोई हमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ गलत मुझसे शब्द निकल जाते हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।